नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा एंड नवरात्रि। तो इसी वजह से कि अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो चलिए कुछ स्पेशल रेसिपीज बनाते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि सरसों चिकन किस तरीके से मैं बनाती हूँ। ये बहुत ही यम्मी एक रेसिपी है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ईजी प्रोसेस है इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते, जल्दी से हम अपनी रेसिपीज स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है। यहाँ पर तेल जो है वो थोड़ा ज्यादा लगता है इस चिकन के लिए। तो यहाँ पर मैंने तेज पत्ता, 3 तेज पत्ता, 2 सूखे मिर्च और जीरा, ये मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। इसमें गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं कीजिएगा, नहीं तो सरसों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। अब हम इसमें एक पेस्ट बनाएंगे, 2 प्याज, अदरक और कुछ हरी मिर्च, हरे पके लाल मिर्च जो है वो हम इसमें यूज करेंगे। उसका मैंने एक पेस्ट तैयार कर लिया है, उस पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। करके अब हम इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में पका लेंगे। बहुत ज्यादा फ्लेम मत दीजिएगा, यहाँ पर हाई फ्लेम बिल्कुल मत दीजिएगा, लो फ्लेम में हम इस प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा अच्छे से चला लेंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन की जो साइजेस है, सरसों चिकन जब हम बनाते हैं, चिकन के साइजेस जो है वो थोड़ा मीडियम रखिएगा, बहुत ज्यादा बड़े पीसेस मत रखिएगा, नहीं तो इसके फ्लेवर जो है इसके अंदर अच्छे से नहीं आ पाते हैं। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जब हम सरसों का पेस्ट तैयार करेंगे, उस सरसों के पेस्ट में 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक जो है उसमें ऐड कर दीजिएगा, जिससे कि पेस्ट जब हम बनाएंगे तो वो कड़वा नहीं होगा। नहीं तो बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है कि सरसों जब हम किसी रेसिपीज में ऐड करते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। तो सरसों का मात्रा जो है वो थोड़ा कम रखिएगा और उसमें अदरक और 1 हरी मिर्च जो है वो उसमें ऐड कर दीजिएगा, तो उसमें कड़वापन जो है वो कम हो जाएगा। अब हम इसमें करीबन 1.5 चम्मच हल्दी ऐड कर रहे हैं। अब जब फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है, अब हम लो नहीं रखेंगे, लो हम तब तक रखेंगे जब तक हम प्याज को मसाले को भून रहे थे। अब हम इसको क्या करेंगे, मीडियम कर लेंगे, करके चिकन को हमें अच्छे तरीके से मसालों के साथ भूनना है। अब हम नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार, बहुत ही कम मसाले में ये बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनता है। तो अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं चिकन को। फ्राई देखिए लगभग ये अच्छे तरीके से हो गया, आप देख सकते हो तेल जो है वो अलग हो चुका है, कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हुआ है। अब हम इसमें सरसों का पेस्ट ऐड करेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया सरसों का पेस्ट, बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून जो है वो काला सरसों लिया है और 1/2 टीस्पून जो है वो सफेद सरसों लिया है, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर जीरा ऐड किया है। करके मैंने इसका एक अच्छे से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के उसमें 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, जिससे कि कड़वापन जो है उसका थोड़ा कम हो जाए। देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, पूरा जो सरसों मैंने जितना पेस्ट बनाया था वो मैं पूरा इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर करीबन 700 ग्राम चिकन है, तो मैंने उस हिसाब से ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो लिया है। लेकिन अब इसको बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, सरसों को हम अब बहुत ज्यादा हाई फ्लेम में या फिर मीडियम फ्लेम में नहीं भूनेंगे, नहीं तो फिर भी ये कड़वा हो जाता है। तो हम इसको लो फ्लेम में थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ढक देंगे जिससे कि चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो सके, सॉफ्ट हो जाए और जो मसाले हैं वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। हमको ज्यादा अब चलाना नहीं है, अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में ढक देंगे और पानी अभी हमको बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये जो हम पकाएंगे, ये जो एकदम लो फ्लेम में जो पकेगा उसी में से जो पानी निकलेगा ना, वो उसी से ही ग्रेवी तैयार होगा। हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं हमको थोड़ा और ग्रेवी चाहिए है, तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। 15 से 20 मिनट बाद देखिए यहाँ पर चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में हम क्या करेंगे, 2 हरी मिर्च जो है वो पीस से स्लाइस किया हुआ हरी मिर्च इसमें ऐड करके और 2 से 3 मिनट के लिए ढक देंगे। इससे क्या होगा, एक हरी मिर्च का एक अच्छा सा जो फ्लेवर है वो आएगा। तो चलिए आज की ये रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ट्राई जरूर कीजिएगा इस दुर्गा पूजा और नवरात्रि में।
ये खा के देखिएगा, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनती है। चावल के साथ आप इसे बहुत ही अच्छा जाता है। तो चलिए आज की ये रेसिपी बस यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्द फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्ते।